नमस्कार, वेब दुनिया फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। जयदीप जी, एमसीडी चुनाव परिणाम चौंकाने वाले नहीं है? नहीं, इसमें चौंकाने वाला बहुत कुछ इसलिए नहीं है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे लगभग वैसे ही, बल्कि उससे थोड़े कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत उसमें स्पष्ट रूप से बता दी गई थी। एक अहम बात यह हुई है कि जैसे बीएमसी के चुनाव पर लोगों ने खूब नजर रखी थी, वैसे एमसीडी के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। बड़ी बात यह थी कि जो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें 67 सीटों से आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक बहुत आमने सामने थे और इस आमने सामने की लड़ाई में किसकी जीत होती है इस पर लोगों ने निगाह रखी थी। तो अब जब हम परिणाम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीनों जो नगर निगम है दिल्ली की, उनको मिलाकर 184 सीटों पर जीत रही है, आम आदमी पार्टी 45 पर और कांग्रेस 30 पर। तो इस पूरे मामले में सबसे, हालांकि हारती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी पहले से एमसीडी पर काबिज थी और कांग्रेस का इसके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादातर वोट बैंक जो खत्म हुआ है वो कांग्रेस का ही हुआ है, और कांग्रेस जो कि पुरानी पार्टी है, विधानसभा में भी इतने लंबे समय तक शासन किया है, तो कांग्रेस को कम से कम नंबर दो की का स्थान तो हासिल करना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी नंबर दो पर आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीटों में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अंतर है, तो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और सीधी जीत, हालांकि 200 के पार का जो आंकड़ा एग्जिट पोल में बताया गया था वो नहीं हुआ है। केजरीवाल और आपके भविष्य पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। आम आदमी पार्टी के भीतर से ही विद्रोह की आवाजें आ रही थी, आत्ममंथन की आवाजें आ रही थी। आम आदमी पार्टी में लगातार ये बात हो रही थी कि योगेंद्र यादव जैसे नेता, प्रशांत भूषण जैसे नेता जिन्होंने स्थापना की वो छोड़ के चले गए। आज तो भगवंत मान ने आवाज उठाई है कि पंजाब का चुनाव हारने के बाद केवल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, वो ठीक नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की थी, जैसे वो एक बड़े विकल्प के रूप में उभरे थे, जैसे सादगी पसंद खुद को बताया था, आम आदमी का नेता खुद को बताया था, अब वो लगता है कि लक्ष्य से भटक गया है। ये एक जनमत संग्रह है और इस जनमत संग्रह को गंभीरता से आम आदमी पार्टी को और उसके नेता अरविंद केजरीवाल को लेना होगा। उनको अब उथले विमर्श से आगे जाकर मुद्दों पर ध्यान देना होगा और उनको ये समझना होगा कि आखिर उनकी ये इतनी बड़ी हार क्यों हुई। ऐसा नहीं लगता कि योगेंद्र यादव की पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है? योगेंद्र यादव की पार्टी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाई, योगेंद्र यादव उनसे अलग जरूर हुए। मतलब दिक्कत सबसे बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी पर काबिज थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। योगेंद्र यादव को स्थापित तो है नहीं वहां पे, योगेंद्र यादव ज्यादा से ज्यादा कुछ वोटो। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई उसका सामना आम आदमी पार्टी कर नहीं पाई। देखिए, एक तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को उन्होंने तोड़ा, अरविंदर सिंह लवली इन समय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बरखा शुक्ला सिंह को भी जब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाई और वहां से उनको निष्कासित किया गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ी और जल्दी से उनको रख भी लिया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी बेवजह के मुद्दों को तूल देती रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल ये सब मुद्दों की बात नहीं की, उन्होंने अपने किसी भी पूर्व पार्षद जो थे, जो एमसीडी पर काबिज थे, उनको टिकट नहीं दिया। तो भाजपा की रणनीति कारगर होती हुई दिख रही है कि उनके जो पार्षद थे पहले के सिटिंग पर, उनको किसी को भी नहीं दिया, सारे नए लोगों को टिकट दिया। उन सारे नए लोगों को टिकट दिए जाने की बदौलत, तगड़े प्रचार की बदौलत, सोशल मीडिया पर जो रणनीतिक युद्ध चला उसकी बदौलत, जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी थी उससे लड़ने के लिए उन्होंने ये किया कि नए लोगों को टिकट दिया, नए लोगों को सामने किया, आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले किए, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की। 12,000 रुपए की थाली लगता है कि आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई है। तो इस चुनाव ने यह भी साबित किया है कि दरअसल जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि अभी तक विमर्श यह था कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं स्थानीय चुनावों पर, विधानसभा में राज्य स्तर के मुद्दे हावी होते हैं और लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी होते हैं। अभी लगता यह है कि चाहे स्थानीय स्तर का चुनाव लड़ा जा रहा हो, जहां पर सड़क की सफाई, गंदगी, कचरा, ये सब मुद्दे होने चाहिए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब मुद्दे होने चाहिए थे, उन सारे मुद्दों को छोड़कर, दरकिनार करके आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से अपनी जीत का उपयोग किया, वो सब मुद्दे दरकिनार करके राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी हो गए। हमें दरअसल हर जगह प्रधानमंत्री वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री से, अगर विपक्ष का है तो उससे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यहां पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में आमने सामने थे। अजय माकन हाशिए पर चले गए थे क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ही उनको बहुत तकलीफ दे रही थी, और ऐसे में मोदी लहर एक बार फिर सारे मुद्दों पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। यदि जी, परिणाम के बाद अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
अगर ये उन अन्ना हजारे के मुख से बात आई है जो कि प्रणेता रहे उस आंदोलन के जिसकी कोख से आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है, तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। अन्ना हजारे पहले भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर काफी बातें कह चुके हैं। लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया है। अगर वो गंभीरता से लेते तो उनको इस तरह की पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। जिस आम आदमी पार्टी ने लाल बत्ती कल्चर को मना करने की बात की थी, वीआईपी कल्चर को मना करने की बात की थी, खर्चे कम करने की बात की थी, आम आदमी के पैसे का दुरुपयोग न करने की बात की थी, वो आम आदमी पार्टी अगर उसी तरह की चीजों में उलझती हुई दिखाई देगी अपने लिए बड़ा सा, वो कहते हैं कि सारी पार्टियां बड़ा दस्तर लेती, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि हम अलग हैं, हम जनता के पैसे का सदुपयोग करेंगे, हम जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम सादगी पसंद लोग हैं। फिर आपकी सादगी अचानक कार के काफिलों में गुम हो जाएगी तो लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि आप अलग हैं। तो अन्ना हजारे ने निश्चित तौर पर उसी बात की ओर इशारा करने की कोशिश की है। दूसरा, जब कोई पार्टी खड़ी होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का श्रम, बहुत सारे लोगों का योगदान लगता है। अगर अरविंद केजरीवाल खुद ही हर जगह चेहरा बने रहेंगे, पंजाब में भी जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल, गोवा में भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल, एमसीडी में भी लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल, तो फिर वो पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। दूसरे नेताओं ने जब भी उनके खिलाफ आवाज उठाई या उनसे पार्टी के भीतर लोकतंत्र लाने की बात की, उनको किनारे कर दिया गया। योगेंद्र यादव ऐसा ही एक उदाहरण है। तो अन्ना हजारे जो कि उस आंदोलन के प्रणेता हैं, उनके पीछे ही खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी, वो उसी आंदोलन की कोख से उपजे हैं, तो उनको इस हार से सबक लेना चाहिए। धन्यवाद यदि जी। हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव की, अगली बार फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।